नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं धीरज कुमार, और आज जैसा कि आपने नाम पढ़ाई होगा शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग करने से पहले कि इंडिया का टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। कहने का मतलब है कि जो इंडिया में टॉप 10 कॉलेज, तो कॉलेज तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन टॉप वो कॉलेजेस हैं जो साइंस के लिए बीएससी एमएससी ये सब हैं, जो यूनिवर्सिटी से अच्छे हैं। और वैसे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या ना हो, अगर उसका जी करता हो, पढ़ने में मन लगता हो या ना हो, लेकिन इस बात का मन जरूर करता हो कि मैं भी एक बहुत बड़े कॉलेज में होता या फिर कॉलेज लाइफ जीता, अच्छी कॉलेज में एडमिशन होती मेरे भी, भले उसे पढ़ाई में मन लगती हो या ना हो। तो आइए, अगर आप नहीं भी जानते हैं या फिर आपके पास पैसा हो या ना हो, फिर भी जानना कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारा टॉप वन में, मतलब रैंक वन पे हमारे, जैसे कि आप देख रहे हो पिक में अभी इस वीडियो में, संत स्टेफन कॉलेज, ये जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। तो ये कॉलेज जो है दोस्तों रैंक वन पे है इंडिया में अभी तक। तो अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में हम जानते हैं, और ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी। और जो अब, और मैं बीच में एक बार बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी अब तक नहीं किया है तो। वैसे तो बीच में बोलने की आदत नहीं थी, मैंने डाल दिया था इसलिए बोल देता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। और जो रैंक टू में हमारा, देखिए लोयला कॉलेज, जो कि अभी चेन्नई में है। यहाँ एमयू का मतलब है मद्रास यूनिवर्सिटी। ये एक देखने में तो बहुत बड़ा सा महल टाइप का लग रहा है कि कोई राजघराना, किसी राजा का महल हो, लेकिन ये जो है कॉलेज है जो मद्रास यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। नाम है इसका लोयला कॉलेज, और ये रैंक टू पे है। और रैंक थ्री में आप देख रहे होंगे जैसे क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, फिलहाल ये बेंगलोर में है, और ये क्रिस्ट यूनिवर्सिटी से भी अफिलिएटेड है। जी, नाम भी क्रिस्ट है और यूनिवर्सिटी का भी नाम है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, और कॉलेज भी वही है। दोस्तों ये जो थी इंडिया की थर्ड रैंक की कॉलेज थी। और हमारे पास फोर्थ रैंक की कॉलेज जो है उसका नाम है मिरिंडा हाउस, जो कि ये दिल्ली में है, और ये जो है डी यू सी अफिलेटेड है। कहने का मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ये भी अफिलेटेड है। तो ये जो है इंडिया की फोर्थ रैंक की है कॉलेज। तो और जो इंडिया की फिफ्थ रैंक की कॉलेज है उसका नाम, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोल दूँ कि ये बॉलीवुड के सुपर स्टार इसमें पढ़ चुके हैं, तो आप जानने के लिए तो उत्सुक हो चुके होंगे। तो मैं बता दूँ कि बॉलीवुड का सुपर स्टार अभी कौन है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये कॉलेज में पहले नाम बता देता हूँ कॉलेज के बारे में, हंसराज कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। नाम तो आपको दिख गया होगा, लेकिन ये बॉलीवुड का सुपरस्टार है कौन, तो ये जो है शाहरुख खान जो है इसी कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं। किस कॉलेज के है? तो ये जो इंडिया का फिफ्थ रैंक का कॉलेज है हंसराज कॉलेज, जो कि दिल्ली में है और डी यू से अफिलेटेड है। और इंडिया का सिक्स रैंक पर आप देख रहे हैं फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि पुणे में है, और किस से अफिलेटेड है ये देख लो, यूनिवर्सिटी से सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से ये अफिलिएटेड है, और इंडिया का ये सिक्स्थ रैंक का कॉलेज है। और हमारा इंडिया का सेवेंथ रैंक का कॉलेज जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, सेवेंथ रैंक का कॉलेज जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, जो कि चेन्नई में है, और ये भी हमारा एमयू से अफिलिएटेड है, मतलब मद्रास यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। जहाँ एमयू आपको नज़र आएगा वो समझ जाना कि मद्रास यूनिवर्सिटी वो है, और इंडिया का ये सातवां नंबर का है मद्रास क्रिश्चियन। और ये आठवां रैंक पे हमारा है हिंदू कॉलेज, ये भी दिल्ली में ही है और डीयू से ही अफिलिएटेड है। यहाँ अभी बहुत सारे जितने भी, मतलब टॉप टेन में मुझे लगता है छः कॉलेज जो हैं दिल्ली में हैं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड ही हैं। और हमारा ये जो था हिंदू जो कॉलेज है वो आठ नंबर का है कॉलेज, आठ रैंक पर है। और नौ रैंक पर हमारा ये भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है, इसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जो ये भी दिल्ली में है। नाइन्थ रैंक पर है ये हमारा। और ये टेंथ रैंक पे जो है हमारा रामजास कॉलेज, जो कि ये भी दिल्ली में है। तो आपने देखा कि छः कॉलेज जो हैं जो टॉप टेन में दिल्ली के ही है। तो आप तो समझ चुके हैं कि जो दिल्ली वाले स्टूडेंट अच्छे जो कॉलेज में, ज़रूरी नहीं है कि सारे पढ़ते, जो पैसे वाले वही पढ़ते। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो प्रॉब्लम है वीडियो में या फिर जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक फ्रेंड।